हेलो दोस्तों, सैमसंग ने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा रिकॉल किया है अपने नोट 7 डिवाइसेस का, क्योंकि रिपोर्ट्स आई है कि नोट 7 की बैटरी बहुत ही अनस्टेबल है। चार्जिंग के टाइम वो गर्म होते होते एक्सप्लोड होने लगती है। कुछ ही डिवाइसेस में ऐसा हुआ है, लेकिन सैमसंग ने इसके रिस्पॉन्स में एक बहुत ही बड़ा रिकॉल किया है अपने सारे नोट 7 डिवाइसेस का, जो कि वो बेच चुकी है या रिटेलर्स के शॉप्स पर है या डीलर्स के शॉप पर है। रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा लगभग 35 डिवाइसेस के साथ हुआ है जिनकी बैटरी एक्सप्लोड हुई है, जितने भी नोट 7 सेल हुए अब तक उसमें से। इसका मतलब ये होता है कि लगभग 80,000 में से किसी एक यूनिट में से ऐसी प्रॉब्लम होगी, जो कि एक बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन अगर देखे जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस होती है, किसी के साथ भी हो सकती है। ये मैटर नहीं करता कि एक 80,000 में से एक डिवाइसेस है, ये मैटर करता है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। इसी के रिस्पॉन्स में सैमसंग ने ये इतना बड़ा रिकॉल किया है। सैमसंग का रिकॉल कुछ इस तरह है, सैमसंग आपको 3 ऑप्शन दे रहा है, सैमसंग या आपके कैरियर प्रोवाइडर जहाँ से आपने ये फ़ोन ख़रीदा है, यह आपको 3 ऑप्शन दे रहा है। या तो आपके नोट 7 के बदले नया नोट 7 ले सकते हैं, या इसी के इक्विवेलेंट कोई सा एक्सचेंज में कोई सा फ़ोन ले सकते हैं, जैसे नोट्स S7 या S7 Edge, या आपको पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा। इंटरनेट पर दिए गए नोट 7 के एक्सप्लोडिंग फोटोज़ में से सब में लगभग एक पैटर्न सा दिखता है हमें, चार्जिंग पोर्ट के वहाँ से नहीं, लेकिन जहाँ बैटरी प्लेस की जाती है नोट 7 के अंदर, वहाँ से फ़ोन जला है या एक्सप्लोड हुआ है। तो इससे साफ पता चलता है कि नोट 7 की बैटरी में ही कोई प्रॉब्लम है। इसलिए अगर आपके पास नोट 7 है तो आपको रियली ये रिकॉल कंसिडर करना चाहिए और अपना नोट 7 एक्सचेंज करना चाहिए। जितने भी लोगों ने नोट 7 खरीदा है या नोट 7 खरीदने का प्लान कर रहे हैं, अब वो इस फॉल्ट के कारण उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और वो सैमसंग के S7 या S7 Edge की बजाय आईफोन नया जो कल लॉन्च होने वाला है उसको ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इससे ये एप्पल को बहुत सारा बेनिफिट होगा। और अगर ये सैमसंग ने ये प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी तो फिर भी लोगों के सामने एक क्वेश्चन बना रहेगा कि क्या वो नोट 7 के लिए ऑप्ट करें कि नहीं, जबकि उनके पास एक नया आईफोन 7 का ऑप्शन रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।